आज आप बहुत ही स्पेशल आइटम जीतने वाले हैं। सब्सक्राइब टू आउटस्टाइल, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई आउटस्टाइल की वीडियो आए। नेवर मिस अ वीडियो ऑन आउटस्टाइल। And welcome back to my channel Outstyle. ईद मुबारक एडवांस में ही, और मैं ईद पे क्या करने लगी हूँ, मेरी क्या तैयारी है, क्या मैंने शॉपिंग की है, क्या होने वाला है। वैसे आई एम नॉट अ वेरी बिग शॉपर। मैंने अपने लिए भी ड्रेसेस लिए, मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए भी कुछ ड्रेसेस लिए, और ड्रेसेस पे इतना जोर नहीं था जितना मेरे शूज़ पे जोर था। शूज़ पे आई थिंक मैंने ज़्यादा दिल खोल के शॉपिंग किया, थोड़ा मेकअप लिया साथ में, अ लिटिल ज्वेलरी। तो मैं ईद के शोज इस दफ़ा जियो टीवी पे होस्ट भी कर रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। मेरी एक टेलीफिल्म ARY डिजिटल पे आएगी, खाना खुद गर्म करो, ओ वाह, वो भी आपने ज़रूर देखनी है। अमेजिंग टेलीफिल्म, मी डूइंग कॉमेडी आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो फिर हम के मॉर्निंग शो पे भी मैं एज अ गेस्ट अपेयर हो रही हूँ। तो आई थिंक ईद पे नादिया खान की बहुत ज़्यादा आपको डोज मिलने वाली है, वो आपका ईद का गिफ्ट हुआ। वैसे मेरे पास भी आपके ईद के कुछ गिफ्ट हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। लेट मी शो यू व्हाट आई एम वेयरिंग ऑन डे वन। डे वन में यही पहनूंगी, मुझे सबसे अच्छा ये ड्रेस लगा। डे वन पे आई एम वेयरिंग दिस। ये बहुत ही हसीन ड्रेस है, ये मैंने आइडिया स्टोर जो है वहाँ से मैंने ये था। दे ऑल्सो स्पॉन्सर क्लोथ फॉर माई टेलीफिल्म, तो इसलिए मुझे वो कपड़े बड़े अच्छे लगे। तो वो मैंने देखा कि मेरे साइज़ में बने, मैं उसमें से उठा के लिया। मैंने कहा आई वॉन्ट टू बाय दिस वन बिकॉज बहुत अच्छे सिले हुए हैं और मुझे बहुत अच्छी, देखिए कलर कितना खूबसूरत है, दिस बीज ब्राउन, यू कॉन्ट गो रॉन्ग विद दिस। पूरी इसकी सिलाई जो है यहाँ इस पर बीज जा रही हैं, ओ माई गॉड कितनी मज़े की डिज़ाइनिंग है ये पूरा नीचे तक। सो आई लव दिस ड्रेस। और इसके साथ देर इज दिस एजेस इसके कुछ चिकन के हुए हैं, वैसी कोई ट्राउज़र है, एंड द दुपट्टा इज सो ब्यूटिफुल। ये दिस इज द दुपट्टा टू गो विद द ड्रेस विद दीज नाइस टसल्स। मुझे तो पता ही नहीं ना, यहाँ मैं पहनती नहीं सलवार कमीज़, तो मुझे फैशन ये वो नहीं पता अभी क्या चल रहा है ज़्यादा। मेरा वैसे भी फैशन सेंस ईस्टर्न कपड़ों में अच्छा नहीं है, बस मैं मुझे को बना दे तो मैं पहन लेती हूँ। तो इतनी प्यारी चल जाए, देखें इस पर। और जो हमारे फॉलोअर्स हैं जो कि इंडिया में, सो मैनी ग्रोइंग एवरी डे, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आउटस्टाइल। आई नो इंडिया में जो लोग हैं वो बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तानी सलवार कमीज़ कपड़ों को, एंड सेम इन पाकिस्तान के जो इंडिया के साड़ीज़ पे बिल्कुल हम पागल हो जाते हैं, इतने खूबसूरत साड़ीज़ होती हैं डिज़ाइन। ओके, ये मेरा फर्स्ट डे का ड्रेस है। दैन द सेकेंड डे आई एम वेयरिंग, मैं वैसे ही मॉल गई थी किसी और काम से, मुझे ये ड्रेस इतना पसंद आया। इट इज़ ब्यूटिफुल बाय अलमीरा, ये एक वहाँ कोई बुटीक है कराची में, डॉलमिन सेंटर में। इसके स्लीव्स देखें, दे आर शिफोन स्लीव्स, और ये मज़े का। अच्छा, अच्छी बात इसकी क्या है, ये लंबा ड्रेस है। आई डोंट लाइक रियली शॉर्ट शर्ट्स, मुझे लगता है शॉर्ट शर्ट्स में बंदा गोल लगता है, अनलेस बहुत अच्छी स्मार्ट फिट हुई। उसका मुझे नेक बहुत पसंद आया। और थर्ड डे के लिए मैंने ये शर्ट ली है which is with my linen pants from Zara, और इतने की almost linen की loosey trousers है। third day वो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा पहनूंगी, बार बार पहनूंगी। okay, now the best part, best shopping for me are shoes. I love collecting shoes, buying shoes. शूज की कोई लिमिट नहीं होती बजट की। अब शूज़ का जो स्टोर है, जो ब्रांड है, वो एक है, लेकिन डिज़ाइन और पर्पज़ डिफरेंट है। तो मैंने कहा ऐसे शूज़ लूँ जो फिर मैं बार बार आराम से पहन सकूँ। बहुत ज़्यादा फैंसी शूज़ लूँगी तो कहाँ पहनूंगी बाद में फिर। अच्छा, तो ये मुझे बड़े दिन, मुझे कलर से और कम्फर्ट से बहुत, ये दो चीज़ें हैं। तो आई वेंट टू क्लार्क्स, और क्लार्क्स से ये मैंने इतने मज़े के शूज़ लिए। आप देखें इसके, इतनी अच्छी सी यहाँ इसकी पैडिंग हुई हुई है। लुक एट द कलर, दिस विल गो विद द वाइट वन वेरी नाइसली। शूज़ मैंने पहले लिए थे, ड्रेस मैंने बाद में लिया, तफाक से मैचिंग हो गई है। तो ये इसकी हील भी बिल्कुल राइट साइज़ है। इट
इतना कंफर्टेबल पैर अंदर डालो पता ही नहीं चलता। तो ये देखें, ये है ना ब्लिंग ब्लिंग, हाँ ये भी मैंने क्लार्क से लिया, सच अ नाइस शू एंड आई लव द कलर। इसमें कॉपर गोल्ड ब्लैक का शेड आता है, यू कैन वेयर इट विद ब्लैक, यू कैन वेयर इट विद सो मेनी कलर्स, लेकिन मेरे इस जोड़े के साथ आई डाउट इट यार इसके साथ अच्छा लगेगा। ये देखिए, नहीं बुरा नहीं लग रहा, अरे भाई अच्छा लग रहा है, ये पहनूं? या एक थर्ड मैंने और भी शू लिया है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, अगेन फ्रॉम क्लार्क्स, द थर्ड वन इज दिस। आई डोंट नो व्हाई आई बॉट दिस, बट ये बहुत ही कंफर्टेबल है और मुझे पता है कि मैं पहनूंगी इनको काफ़ी। तो देखिए हील जो है इसकी बड़ी कंफर्टेबल एंड होपफुली इसमें स्लिप नहीं होंगी आसानी से, और इसका प्लस कुशन लिखा हुआ है इसके ऊपर, और ब्रीदेबल सोल है इसकी, एंड लुक एट द कलर, ये कैसा लगेगा इसके साथ? फूलों के साथ मैच कर रहा है, या फिर मैं ये पहनूं इसके साथ? ये तो बिल्कुल नहीं जा रहा। अच्छा, आई हैव अनदर चप्पल टाइप शूज जो मैंने लिया है कुछ दिन पहले, और मे बी वो ये इसके साथ बहुत अच्छा, दोनों के थोड़े से ज़रा देसी टच होना चाहिए ना। आप कहेंगे नादे चप्पल क्यों नहीं, क्यों तुमने एक जैसे जूते लिए? तो आई ऑलरेडी हैव दिस चप्पल दैट आई हैव नेवर वॉर्न, समहाउ ये डेनी लुसिया से मैंने लिया है, ये मुझे याद भी नहीं मैंने कहाँ से लिया, लेकिन ये मेरे पास है और बहुत अरसे से है। एंड लुक एट दीज सैंडल्स, दे आर ब्यूटिफुल, ये और इसकी हील मुझे बहुत खूबसूरत लगती है ऐसे। तो ये इसकी हील और ये इसका सैंडल मैं इसके साथ पहनूं, ये मेरे ख्याल में मुझे कॉपर वाला जो है ना वो अच्छा लग रहा है इसके साथ। ये मैं हमेशा आपको हेल्प करती हूँ ना, इस दफ़ा आपने मुझे हेल्प करना है कि मैं वाइट वाले ड्रेस के साथ कौन सा शूज़ पहनूं, और वो जो ग्रीनिश ड्रेस है उसके साथ मैं कौन सा शू पहनूं। प्लीज़ आई नीड यू टू गिव मी अ गुड एडवाइस, आई लुक फैंटास्टिक दिस ईद। अच्छा, इसके अलावा मैंने क्या लिया है, थोड़ा सा मेकअप, आई हैव बीन वॉन्टिंग टू बाई दिस सिसले की क्रीम, और यहाँ कुछ 3 दिन की सेल लगी थी तो आई गॉट 30% ऑफ। तो सिसले की मुझे ये एंटी एज एट नाइट द सुप्रीम की जो उसकी कलेक्शन है इज़ वेरी स्पेशल एंड एक्सपेंसिव, तो द सुप्रीम एंटी एजिंग आई सीरम मैंने ईद का बहाना बना के ले लिया, बड़े दिनों से मूड था। फिर मेरा चेल्सी आईब्रो पाउडर वो ख़त्म हो गया था, वो मैंने दोबारा लिया। फिर मेरा टार्ट का मैराकुजा क्रीजलेस कंसीलर, बहुत मज़े का, ये बेस्ट कंसीलर है नॉर्मल वेयर के लिए, क्योंकि इसमें इतना मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है, चमकता है आपकी आंखों के नीचे जब आप लगाते हो कंसीलर, तो योर अंडर आई एरिया शाइन। अभी मैंने वीडियो करनी है इसके ऊपर, वो मैं आपको बताऊंगी, वैसे मज़ेदार मॉइस्चराइजिंग शाइनी मेकअप। ओके, एंड देन आई गॉट टू लिपस्टिक्स, वन इज़ दिस वन, कितना प्यारा शेड है बाय सफोरा, और लाइट कपड़ों में डार्क कलर की लिपस्टिक बहुत अच्छी लगेगी, क्या ख्याल है? ये कितना प्यारा शेड है, विच शेड इज़ दिस, चेरी नेक्टर, उफ, एंड इट इज़ अ लॉन्ग स्टे नॉन ट्रांसफरेबल लिपस्टिक जो है, लिप स्टेन कह लें, एंड आई गॉट दिस वन, ये मैंने की कैसी है, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, प्योर कलर एन वी मैट 220 शेड है एस्टी लॉडर का, एस्टी लॉडर के बड़े अच्छे कुछ कलर्स आए हुए हैं, लेट मी शो इट टू यू, कि ये बहुत ब्राइट पिंक है, ये बहुत खूबसूरत। हाँ, मैं बगैर शीशे में देख लिपस्टिक लगा सकती हूँ, लाइनर भी लगा सकती हूँ, इनफैक्ट मैं पूरा मेकअप कर सकती हूँ। अब बस, एंड देन आई ऑल्सो गॉट दीज इयररिंग्स जो मैंने ले तो लिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे किसी ड्रेस के साथ, इसके साथ शायद जाएंगे, अब कुछ इसी के साथ जा रहा है मेरा ख्याल, मैं इतनी चमक छलो फिर मैं फर्स्ट डे ही बन जाती हूँ, बल्कि सेकेंड डे जिस दिन मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन विद दीज, आए कितने प्यारे लगेंगे इयररिंग्स, नाइस ना, नाइस इयररिंग्स, नाइस ना। तो ये मेरा कुछ प्लान है इस दफ़ा ईद पे। अब ये तो मेरी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि मैं आपको गिफ्ट ना कुछ करूँ ये नहीं हो सकता है। तो इस ईद पे, इस वीडियो के बाद आई एम गोइंग टू गिव यू नॉट वन बट टू गिफ्ट्स, टू लकी विनर्स को आउट स्टाइल की तरफ से ईद का गिफ्ट। अच्छा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो मैंने बनाया है दैट इज़ क्योंकि स्किन केयर का कुछ लोगों को बड़ा ख्याल होता है, मेकअप से ज़्यादा दे इंटरेस्टेड इनके गुड स्किन केयर की कोई चीज़ मिल जाए, तो आई एम गिविंग यू दिस वूक्स की डिटॉक्स चारकोल, कोई पाउडर टाइप है विच हेल्प्स यू क्लींस योर स्किन, डिटॉक्स योर स्किन, एंड इट्स रियली गुड, एंड द ओरिजिनल वन।
face cleansing innovation with natural activated charcoal. After cleansing, you will be experiencing skin smoother and softer and younger. तो ये पाउडर आपने हाथ गीला करके फेस पे लगाना होता है चारकोल पाउडर एंड इट हैज़ गुड रिजल्ट्स। तो ये और इसके साथ ही अकेली चीज़ क्यों, फिर स्किन से रिलेटेड एक और मज़ेदार मैं आपको चीज़ देती हूँ एंड दिस इज़ द 24 कैरेट गोल्ड एंड रोजेज ग्लोइंग फेस सीरम बाय ये किसका है, ये ब्यूटी बाय आमना एंड हर प्रोडक्ट्स आर रियली नाइस। तो कुछ प्रोडक्ट्स मैंने इसको भी मैंने रिव्यू भी बल्कि करना है। तो ब्यूटी बाय आमना के 24 कैरेट फेस ग्लोइंग सीरम, ये इकट्ठी दोनों चीज़ें मैं आपको गिफ्ट कर रही हूँ। एंड देन अनदर गिफ्ट फॉर ईद इज द सेम सफोरा लिप स्टेन। मैं लाई तो अपने लिए थी लेकिन कोई बात नहीं, आपको आई एम गोना मिस यू बट इट्स ओके, आप लगाएंगे मुझे अपनी पिक्चर भेजेंगे मुझे अच्छा लगेगा। साथ में मार्क जेकब्स का मैस्कारा। ओके आई हैव टू गिफ्ट्स टू गिव अवे। पहला गिफ्ट मैं उनको दूंगी जो मुझे अच्छी एडवाइस देंगे, बेस्ट एडवाइस देंगे कि भाई आप इस ड्रेस के साथ ये शू पहनो और ये इयरिंग पहनना चाहिए या नहीं। तो प्लीज़ हेल्प गाइड मी, और मैं फर्स्ट डे कौन सा पहनूँ और सेकेंड डे कौन सा पहनूँ, यू हैव टू टेल मी। सेकेंड ये मैं आपको जो गिफ्ट दूंगी वो उनको दूंगी जो मुझे ईद पे खुद उनकी तैयारी कैसी थी, वो खुद कैसी लग रही थी। आप सब्सक्राइबर्स के लिए है कि आई वॉन्ट टू सी यू, यू कैन सी मी, यू नो व्हाट आई एम गोना वेयर। मुझे क्या पता आप लोग क्या पहन रहे होंगे, आप ईद पे कितनी खूबसूरत लग रही होंगी, तो मुझे अपनी पिक्चर भेजें एंड इफ़ आई लाइक द वे यू वर ड्रेस्ड अप देन आई एम गोना सेंड यू दिस गिफ्ट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू डिड लाइक द वीडियो एंड एडवांस में ईद मुबारक टू ऑल द फॉलोअर्स ऑफ आउट स्टाइल। हैव अ ब्यूटिफुल हैप्पी मज़ेदार मीठी मीठी ईद एंड डू वॉच माई प्रोग्राम्स, माई टेलीफिल्म, माई ई ट्रांसमिशन दिस ईद। बाय बाय।